क्या सीन है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स क्लासेस। हमारी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज चल रही है, उसके अंदर आपको हमें क्या क्या कवर कराना है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल दो चैप्टर बहुत बड़ा है, क्या क्या आप उसके अंदर कवर करने वाले हैं वो आपको अभी दिखा रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में जो फंडामेंटल चैप्टर है आपका, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला आपको थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ने को मिला, जो हमारी दो वीडियोस आई हैं उन वीडियोस में हमने थ्योरेटिकल अप्रोच को कवर किया है, यानी पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरी जो आती है एमसीक्यू के फॉर्मेट पे वो हमने कवर कर दी है। और उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर तीसरी चीज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट्स, और लास्टली हम कवर करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 जो आपका फंडामेंटल्स है, इसके अंदर 5 टॉपिक आपको कवर करना है। दोस्तों आज जो हम लोग को सीखना है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन। पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि क्लास 11th में आपने देखा है कि वहां पे जैसा आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में करते थे, सेम बिल्कुल वैसा ही करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में आपने जो भी रिकॉर्डिंग की थी वो कौन से कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट के हिसाब से की थी, वो था डबल एंट्री सिस्टम। यानी वहां पे जो प्रिंसिपल फॉलो होता था डबल एंट्री सिस्टम, हर अकाउंट का दो एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट और क्रेडिट, वही सेम एस्पेक्ट यहां पे भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें आपके कॉन्सेप्ट की कि पार्टनरशिप ऑफ फर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में आपको क्या क्या अकाउंट्स बनाना है, कैसे आप उसके ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि वहां पे जर्नल रिकॉर्डिंग होती थी, सेम वे में पार्टनरशिप में भी क्या बनेगा, जर्नल सेम रहेगा सर। उसके बाद लेजर्स जैसे वहां बनते थे, लेजर्स यहां पे भी बनेंगे सर। जैसे वहां पर ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाया जाता था, यहां पर भी ट्रायल बैलेंस बनेगा। जैसे वहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, वैसे ही यहां पर भी बनेगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये भी सेम रहेगा। हां अब ध्यान से सुनना, जैसे वहां बैलेंस शीट बनती थी, यहां पे भी क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। सर नया क्या पढ़ना है, देखो बच्चों देखो आ गया वो समय जो आपको ये बताएगा कि आपको नया क्या पढ़ना है। जल्दी से देखो मेरे साथ, सबसे पहली चीज जो आपको कवर करनी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरी चीज जो आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स में नहीं पढ़नी है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर दो चीजें पढ़नी है नहीं, हाँ बाकी सारी चीजें सेम जैसे कि क्लास 11th में होता था, वही सेम आगे आपके पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यू होता है। ऑल्दो आपके क्लास 12th में सिर्फ आपको अभी इसी चीज पे फोकस करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कैसे बनता है ये जानने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये अकाउंट बनता ही क्यों है। क्या आप लॉजिक जानना चाहते हैं, आइए मेरे साथ आप सारे बच्चे यहां पर देखिए। मैंने आपके सामने एक ड्रॉइंग बना रखी है, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने कहा है कि ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और इसका जो ओनर है वो सिंगल ओनर है। जब भी सिंगल ओनर बिजनेस चलाता है तो उस बिजनेस को हम लोग कैसी बिजनेस कहते हैं बताओ जल्दी से, उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। अब वो लोग क्या करते थे कि जैसे अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल में मैंने बना भी रखा है। सबसे पहले वो क्या करते थे जल्दी जल्दी बताइए, ओपनिंग स्टॉक लिख देते थे, नेट परचेज लिख देते थे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे उसे लिख देते थे, और जो उनकी सेल्स होती थी क्रेडिट साइड में उसे लिखते थे, जो क्लोजिंग स्टॉक होता था उसे लिखते थे। फिर फाइनली उनको क्या रिजल्ट मिलता था, उन्हें रिजल्ट मिलता था कि उनका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो कहां फाइंड होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में।
अब इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम क्या करते थे, बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट खर्चे लिखते थे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। एग्जाम्पल याद होगा, जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज हो गया, बैड डेट हो गया, किसी तरह का कोई प्रोविजन हो गया, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, कोई बैंक चार्जेस हो गए, जितने भी आपके बिजनेस के खर्चे होते थे जो कि इनडायरेक्ट नेचर के होते थे, वो सारे खर्चे किस में जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइनली आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था नेट प्रॉफिट। लास्ट में क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। आप उस नेट प्रॉफिट को कहां ले जाते थे? क्योंकि ये जो भी नेट प्रॉफिट है, इसका सोल ओनर एक होता था, तो जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाता था, तो बैलेंस शीट में क्या करता था ये, जल्दी से बताओ, बैलेंस शीट में क्या करता था ये, ले जा करके जो भी इसकी कैपिटल होती थी उसमें नेट प्रॉफिट को, उसमें नेट प्रॉफिट को क्या करता था, एड कर लेता था। अब इस नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो होती थी आपकी टोटल कैपिटल दिखती थी, और भी कैपिटल में ऑल्दो बहुत सारी एडजस्टमेंट करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट होती थी लेस हो जाता था, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऐड हो जाता था, किसी तरह की कोई ड्राइंग होती थी तो वो लेस हो जाती थी, ये सारी बातें तो आप करते ही थे। यानी मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि जब ओनर एक होता है तो जो भी कुछ इसका प्रॉफिट होगा वो किसको चला जाएगा, एक सिंगल ओनर को चला जाएगा, उसकी कैपिटल में ऑल्दो सारी चीजें ले जाकर के वो ऐड या लेस कर देगा। जल्दी से देखो, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। हाँ सर, समझ में तो आ गई। तो लॉजिक अब क्या समझना है आपको कि यहां पे अगर मान लो जब बिजनेस दो लोग करते हैं या उससे ज्यादा लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे सामने एक भाई साहब है राम और एक भाई साहब है मोहन, एक भाई साहब है प्यारे, तीन लोग काम कर रहे हैं। अब ये बताओ कि इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? भाई जब सिंगल ओनर था तो जो कुछ प्रॉफिट होता था, जो भी प्रॉफिट होता था वो कहां ट्रांसफर हो जाता था? वो सारा का सारा प्रॉफिट उनकी कहां चला जाता था? कैपिटल में चला जाता था, क्योंकि एक ही ओनर होता था। लेकिन जब पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो लोग वहां काम करने वाले ज्यादा हैं, तो वो लोग कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? यहां पे तो फिर सारी खिचड़ी मच जाएगी अगर यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। तो इस वजह से इनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है, और उस अकाउंट को वो लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्पस क्या है कि जो भी प्रॉफिट्स पार्टनर्स का है उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सिखाया जाता है इसके अंदर। सर कैसे बनता है? सारा का सारा प्रॉफिट यहां से ट्रांसफर कर लिया जाता है, और जिस भी मोड में उनको पेमेंट करना होता है, चाहे उनको आईओसी देनी होती है पार्टनर्स को, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या किसी तरह का कोई सैलरी देना होता है, या कोई कमीशन देना होता है, या कोई रिजर्व उन्हें क्रिएट करना होता है, या जो पैसा बच जाता है उसे आपस में वो लोग कैसे बांटते हैं एबीसी में, ये सारी चीजें वो लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो यानी अल्टीमेटली अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि ये कैसे बनता है, प्लीज इसे कंफ्यूज मत होना, हम लोग ये समझा रहे हैं कि ये बनता क्यों है। तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स का जो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्यों बनता है, उसका पर्पस क्या है, जो ये प्रॉफिट है वो कैसे इन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसलिए क्या पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सारे प्यारे बच्चे, अब सेकेंड लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए जब आप इनकी बैलेंस शीट अगर कन्वर्ट करते हैं, यहां बनाते हैं, तो देखिए क्या होगा कि जो भी आपका कैपिटल होगा, मान लो यहां पे हम सपोज करते हैं कैपिटल जो है वो ए की कैपिटल है, अब यहां पे हम ले लेते हैं सपोज दैट बी की भी कैपिटल है, सर और भी पार्टनर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई लॉजिक थोड़ी ना है। सी कैपिटल है, कितने का मतलब सर, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम तो 50 की लिमिट है, लेकिन अगर 50 पार्टनर हो गए तो सोचो कितनी बड़ी बैलेंस शीट बननी लगेगी, मतलब जितने ज्यादा आप आगे जाओगे तो कितना प्रॉब्लम फेस करोगे। अब हर किसी का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, हर किसी पार्टनर को जो भी कुछ मिलेगा, आप वहां पे क्या करोगे, लॉजिकली वहां पे ऐड या लेस करना पड़ेगा आपको। तो जैसे जिस पार्टनर का नेट प्रॉफिट है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, सर ये ऐड होगा, किसी तरीके की कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है वो भी ऐड होगा,
कोई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की गई है तो वो भी लेस करना पड़ेगा। तो ऑल्दो कैलकुलेशन कितनी सारी हो जाएगी, अगर हर पार्टनर का यही हिसाब किताब रहे, सब अपना नेट प्रॉफिट ऐसे ही जोड़ें, ठीक, ऐड करें इसके अंदर आईओसी, लेस करें आईओडी, तो प्रॉब्लम आप खुद देख के बताओ मुझे, सारे के सारे बच्चे प्रॉब्लम देख के बताओ मुझे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ी लग रही है आपको, महसूस करो। देखो कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये चीजें मुझे पढ़नी क्यों है, इसको पढ़ने से मेरा फायदा क्या है। भाई ओवरऑल हम लोग तो कॉमर्स वाले हैं, अपना फायदा और नुकसान देखे बिना तो कोई काम करेंगे नहीं। सर यहां पे ये देखिए, अगर बैलेंस शीट इनकी बनाई जाए एबीसी की तो कैसे दिखने लगेगी, इतने सारे कैपिटल, अगर ये सारे कैपिटल ऐसे ही बैलेंस शीट में दिखने लग जाएं तो बैलेंस शीट जानते हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बेड शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा इतना सारा चीज हम पूरी की पूरी कैपिटल अकाउंट को ना ऐसे नहीं दिखा सकते। यहां पे देखो इतनी सारी चीजें एक साथ डिटेल में नहीं लिख सकते बैलेंस शीट के अंदर। इस वजह से स्पेसिफिकली ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग सेपरेट अकाउंट में कवर करते हैं। सर सेपरेट अकाउंट बना लेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर सारे बच्चे, आप सोचो अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बना लिया, तो जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो आप कहां करोगे, जल्दी से बताओ। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया तो जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी, जो भी प्लस माइनस करना होगा वो कहां पे करोगे आप, जल्दी से बताओ, वो आप करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इससे फायदा क्या होगा आपका, देखो ध्यान से। सर फायदा इसका क्या होगा कि हम जब भी यहां से आगे बढ़ेंगे और न्यू जब बैलेंस शीट बनाएंगे, सर फिर जैसे बैलेंस शीट बनेगी ना तो उसमें सीधे सीधे ए की कैपिटल कितनी है टोटल, बी की कैपिटल कितनी है टोटल और सी की कैपिटल कितनी है टोटल, ये लिख उठेगा। ओहो क्या बात है सर, क्या बात है, जो भी इसका अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पे हम लिख देंगे। बताओ मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अब बताओ ये बैलेंस शीट ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में इतनी बड़ी, या ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, बताओ जल्दी से, लॉजिक समझाओ मेरे को जल्दी। हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं, इतना छोटू सा लिखेंगे ना तो वो ज्यादा इजी है हमें समझने के लिए। तो क्या मेरा सेकंड लॉजिक आपको समझ में आया कि हमें पार्टनर्स की कैपिटल के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, हम अपनी वीडियोस को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। अगली वीडियो के लिए आप अपने प्लेलिस्ट में जाइए और नेक्स्ट क्लास को चेक करिए। आपको कोई भी चीज पूछनी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो दिया गया नंबर आपके सामने आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज अपने दोस्तों से जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो जितना भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फ्री टाइम्स में आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।